हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर WRS वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर, या फिर हम जिसको बोलते PIPV फंक्शन। इसके द्वारा हम किस प्रकार से कोक्लियर पैथोलॉजी और रेटिकोक्लियर पैथोलॉजी को अलग अलग करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि PIPV फंक्शन होता क्या है, या परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर WRS होता क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो परसेंट जो रहता है ना, उसका जो परफॉर्मेंस इंटेंसिटी, जैसे कि उसके नाम में परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर WRS, मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो परसेंट जो रहेगा उसके इंटेंसिटी पे, हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे जिससे हम WRS स्कोर निकालेंगे। WRS स्कोर हम कैसे निकालते हैं, तो WRS स्कोर हम जो रहता है SRT प्लस 40 करके पेशेंट को प्रेजेंट करते हैं, 25 वर्ड उसको प्रेजेंट करते हैं, जो फोनेटिकली बैलेंस वर्ड रहते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, जो 25 वर्ड रहते हैं उसके द्वारा फिर हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो 25% का अगर हम एक, मतलब 25 वर्ड है, अगर हम एक वर्ड का हम परसेंट देखेंगे तो 4% आएगा। इस प्रकार 25 × 4 करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो हमको 100% में से उस पर्सन का परसेंटेज निकालना रहेगा, किसके लिए, WRS के लिए, वर्ड की वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर के लिए, कि पर्सन का पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर कितना वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर है, ठीक है। तो जब हम इसको क्या, इसमें जब टेस्ट में हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर WRS, मतलब कि हम WRS टेस्ट को बार बार करके उस पर्सन का मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे, जो फोनेटिकली वर्ड जो रहेगा उसका मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे, मैक्सिमम परसेंट निकालेंगे कि उस पर्सन ने कितने शब्द वापस एक्यूरेट रिपीट किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सन को 25, सबसे पहले हम पर्सन को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको हेडफोन लगा के इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको ये बोलेंगे कि अभी आपको है ना कुछ शब्द आएंगे, ठीक है, जो शब्द आपको सुनाई दे आपको उनको रिपीट करना है या फिर उनको आपको दोहराना है। जब हम पर्सन को 25 वर्ड जो फोनेटिकली बैलेंस वर्ड रहेंगे वो पेशेंट को प्रेजेंट करेंगे, पेशेंट को प्रेजेंट किया 25 वर्ड, तो फिर हम ये देखेंगे कि पेशेंट ने हमको कितने वर्ड एक्यूरेट हमको वापस, मतलब एक्यूरेट उसने दोहराए, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। मान लो हमने हम उसका SRT निकालेंगे, मान लो SRT कैसे निकालेंगे, मान लो उस पर्सेंट का WRS निकालेंगे, तो मान लो उस पर्सेंट का SRT जो रहेगा वो 30 है, तो 30 प्लस 40 करेंगे उसका WRS निकालने के लिए, ठीक, उसका WRS निकालेंगे, मतलब कि 70 dB पे उसका WRS निकालेगा, ठीक है। और एक जो गुथेरिन करके एक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 2009 में ये बताया था कि हमको WRS निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि UCL माइनस 5 dB कर देंगे, ये हमारा प्रेजेंटेशन स्कोर रहेगा PV मैक्स निकालने के लिए, या फिर WRS निकालने के लिए, किसको, जो जो जिस पर्सन का हमको PIPV फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने जब हम उसका वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर निकालते हैं तो हमें देखते हैं कि ये PV मैक्स है, तो PV मैक्स जो रहता है नॉर्मल पर्सेंट, और जो कोक्लियर पेशेंट है, कोक्लियर पैथोलॉजी वाले पेशेंट है, उनमें हम देखेंगे कि PV मैक्स हमने निकाला। तो हमने क्या किया, उस पर्सन का जब SRT 30 था तो उसमें 40 dB ऐड करके उसको वर्ड प्रेजेंट किए, 25 वर्ड प्रेजेंट किए, उन वर्डों का हमने परसेंटेज निकाला, उसको हमने बोला वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर, ठीक है। उसका जो परसेंटेज निकला तो हम ये देखते हैं कि उसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना निकल सकता है। मान लो कि हमने उस पेशेंट को हमने मान लो 25 वर्ड प्रेजेंट किए और हमने देखा कि उस पेशेंट ने 21 वर्ड जो रहेंगे वो करेक्ट प्रेजेंट किए, तो उसका स्कोर कैसे निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, 25 × 4 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 484%, ठीक है। ये परसेंट कैसे निकाला, हमने क्या बोला था कि टोटल 25 वर्ड हम प्रेजेंट करेंगे, एक उसका एक वर्ड का जो रहेगा 4% रहेगा, तो ऐसा कितना हो गया 100%। तो हम इसी प्रकार से जब हमने देखा कि जो पेशेंट को जब हमने 25 वर्ड प्रेजेंट किए तो उस पेशेंट ने 21 वर्ड करेक्ट बोले, तो उसका हमने परसेंट निकाला, तो ये 84% निकाला, ठीक है, किसी भी इंटेंसिटी में मान लो 84% निकाला। फिर हमने क्या किया, उसका कुछ इंटेंसिटी हमने उसकी बढ़ाई, फिर से हमने उसको वर्ड प्रेजेंट किए, तो हमने वर्ड प्रेजेंट किए मान लो उसको फिर से 25 वर्ड हमने फिर से प्रेजेंट किए, तो इस बार जो पेशेंट था उसने मान लो 22 वर्ड करेक्ट बोले, 22 × 4, तो हमने देखा कि उसका 88% निकाला। तो हम देखेंगे कि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वहाँ पर पेशेंट जो रहेगा मैक्सिमम उसका स्कोर आएगा, कितना स्कोर आएगा, मान लो उसका मैक्सिमम 100 में से कुछ भी स्कोर आ सकता है, 90 आ सकता है, मतलब सॉरी 92 आ सकता है, क्योंकि 4 की डिजिट लगाना 92 आएगा, 92 आ सकता है, 96 आ सकता है, तो हम उसका मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे, जो मैक्सिमम स्कोर निकालेगा उसको हमने बोल दिया PV मैक्स। मान लो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हमने देखा, ये तो BBHL में ये यहाँ पे नीचे उसकी इंटेंसिटी दे रखा है और ये इसका WRS परसेंट करेक्शन, मतलब कि कितना परसेंट उसने करेक्ट बोला, किस पे उसका PV मैक्स आया, तो जो नॉर्मल पेशेंट जो रहेगा उसका PV मैक्स आया, ये किसी भी इंटेंसिटी में मान लो उसका
पीवीमैक्स आया, यहाँ पे 85 या 90 को उसका पीवीमैक्स आ गया। 90 डीबी हमने जब यूज किया तो हमने देखा कि पेशेंट ने ज्यादा वर्ड करेक्ट दोहराए या ज्यादा वर्ड करेक्ट जो होता है उसने रिपीट किए, तो उसको हमने पीवीमैक्स बोल दिया। तो हमने देखा कि पीवीमैक्स के बाद में हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए पर उसका जो पीवीमैक्स था वो उतना ही रहा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये किस केस में होगा? ये नॉर्मल के केस में होगा, ठीक है। फिर हम वही देखते हैं जो कॉकलियर पेशेंट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि एक जब हम पर्टिकुलर इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते गए तो हमारा पीवीमैक्स जो रहता है वो मतलब जो पीवी जो फ्रंट के वर्स बर्ड का जो परसेंटेज निकल गया जिसको हमने WRS परसेंट बोला वो इंटेंसिटी के साथ में बढ़ता गया किसमें? कॉकलियर पैथोलॉजी में। पर एक टाइम के बाद में क्या रहेगा कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके उसने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे उसका परसेंटेज पीवीमैक्स आया, ठीक है। फिर जब हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो हमने देखा कि थोड़ा सा बढ़ाने पे उसका इंटेंसिटी मतलब जो उसका WRS स्कोर था या WRS का जो परसेंट था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। जब उसमें एक बार हाईएस्ट स्कोर के बाद में जब उसमें कमी आती है तो उसको हमने कंसिडर किया पीवी मेन, ठीक है। उसको PIPP फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको हमने कंसिडर किया पीवी मेन। ये किसकी बात की? हमने कॉकलियर पैथोलॉजी की। फिर हम अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, अगला ये डायग्राम बना हुआ इस पर देखते हैं। फिर भी हमने इसमें क्या कॉकलियर पैथोलॉजी जो पर्सन है जो रेटो कॉकलियर पैथोलॉजी है पर्सन, हमने उसका पीवी मैक्स या पीवी मेन निकाला। तो हम पीवी मैक्स समझ में आया, पीवी मैक्स क्या होता है? पीवी मैक्स मतलब कि जहाँ पे हाईएस्ट WRS स्कोर आगा उसको हमने पीवी मैक्स बोला। पीवी मैक्स के बाद में जो हमारा स्कोर मिल रहा है मतलब कि पीवी मैक्स के बाद में जस्ट जो हमारा स्कोर आ रहा है उस वैल्यू को हमने पीवी मीन कंसिडर करेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को हम पीवी मीन कंसिडर करेंगे। क्या? कि पीवी मैक्स के बाद में हमको जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमको जो WRS मिल रहा है मतलब जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमको WRS मिलता है उसको हम पीवी मीन कंसिडर करते हैं। पर हमेशा ये याद रखना कि पीवी मीन जो रहता है पीवी मैक्स के बाद में आगा, पीवी मैक्स से पहले नहीं आगा। नहीं तो आप सोचो कि मैंने उसकी जो सुनाई देना मतलब उसका मान लो SRT उसका 20 है या उसका SRT 30 है और तुम बोल रहे हो कि मैंने उसको SRT लेवल के बराबर दिया उसके बाद में उसका पीवी मीन आया, मतलब क्योंकि ऑब्वियस है कि उसके SRT लेवल के बराबर देंगे तो वो कम उसको कम सुनाई देगा तो वो कम दोहराएगा, तो इसका मतलब ये रहेगा वो पीवी मीन नहीं, उसको हम पीवी मीन कंसिडर नहीं करेंगे। पीवी मीन को कब कंसिडर करेंगे? कि जब हमारा एक बार पीवी मैक्स आ जाएगा उसके बाद में अगर उसके WRS स्कोर में कमी हो रही है तो उसको हम पीवी मीन कंसिडर करेंगे। अब कमी जो होती है हम उसको एक वर्ड यूज करते हैं रोल ओवर, ठीक है। अभी हमको आगे देखेंगे कि रोल ओवर जो रहता है वो किन में दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम कॉकलियर पैथोलॉजी रेटो कॉकलियर पैथोलॉजी वाले पेशेंटों में देखते हैं तो जब हमने उसका देखा, हमने जब उसका धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते गए WRS स्कोर के निकालने के लिए हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते गए। नॉर्मली हम WRS स्कोर जो रहता है अब क्या करते हैं SRT प्लस 40 करते हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं SRT प्लस 40 कीजिए, कुछ बोलते हैं कि SRT प्लस 30 कीजिए, और जो हमारा गैथरिन जो था उन्होंने ये बोला था कि UCL माइनस 5 कीजिए उसका प्रेजेंटेशन लेवल, उस लेवल पे मैक्सिमम स्कोर मिलेगा हमको पीवी मैक्स का या WRS स्कोर का हमको मैक्सिमम परसेंट मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कॉकलियर पैथोलॉजी में, कॉकलियर पैथोलॉजी में हमने धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते गए। मान लो उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ती बढ़ती हमको एक लेवल आया जहाँ पे पीवी मैक्स मिला, ठीक है। फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो पेशेंट जो रहेगा उसका जो WRS स्कोर रहेगा वहाँ कमी आई। मैंने जैसा अभी आपको पहले बताया था कि पीवी मैक्स के बाद में जो कमी आ रही है हम उसको पीवी मीन कंसिडर करेंगे, ये हमने आगे बात कर चुके हैं। पर जो रेटो कॉकलियर पेशेंट जो रहेंगे ना उसमें क्या रहेगा कि पीवी मैक्स ही आ गया, पीवी मैक्स के बाद में हम WRS स्कोर अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसमें लगातार कमी आती जाएगी। मतलब कि यहाँ पे भी कमी जगह हमने पहली बार बढ़ाया, यहाँ पे कमी आई, फिर बढ़ाया, हमने फिर से कमी आ गई, मतलब कि हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे उसके बाद में WRS स्कोर में कमी आ रही। तो ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि उस पेशेंट में रेटोकॉकलियर पैथोलॉजी है। तो अगर रेटोकॉकलियर पैथोलॉजी होगा तो ऐसा क्या होगा कि जिससे जो हमारा पीवी मैक्स है वो हमारा लगातार नीचे जाता जा रहा, मतलब कि उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसके लिए हो रहा है कि जब मान लो एट नर्व में किसी प्रकार का ट्यूमर है तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो नर्व जो रहेगी उसकी जो न्यूरॉन्स को फायर करने की जो एबिलिटी रहती है वो फायरिंग की एबिलिटी सस्टेन नहीं रह पाती। मतलब कि जैसे कि जो नॉर्मल पेशेंट जो रहेगा उसमें अगर कोई सा स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को लगातार बनाए रखने की उसमें कैपेसिटी रहती है, पर जब ट्यूमर हो जाता है तो उसमें ये कैपेसिटी जो रहती है उसको सस्टेन करने की मतलब न्यूरल फायरिंग को सस्टेन करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से हमको पीवी मीन जो रहता है उसकी वैल्यू लगातार नीचे आती जाएगी, मतलब वो हमको नीचे मिलेगी उसकी वैल्यू हमको जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो WRS स्कोर रहेगा वो कम होता जाएगा।
ठीक है, ये हमको किस केस में दिखेगा, हमको ये रेटिकुलर पैथोलॉजी के केस में मिलेगा। ये तो हमने बात की किसमें कि हम मतलब ऑडियोग्राम या फिर जो हमारा पैटर्न मिलेगा उसको देख के हम किसे बता सकते हैं कि इसमें कोकुलर पैथोलॉजी है या रेटिकुलर पैथोलॉजी है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट जो आया इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने बोला रोल ओवर इंडेक्स। हाँ सॉरी भूल गया था मैं कि हमने यहाँ बात की थी कि रोल ओवर का मतलब क्या रहता है। रोल ओवर का मतलब ये रहता है कि हमारा एक बार WRS स्कोर का मैक्सिमम लेवल के बाद में जो कमी हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद में भी जो WRS स्कोर में जो कमी हो रही है उसी को रोल ओवर वर्ड यूज किया हुआ है PI PV फंक्शन वर्ड टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसी चीज को हम बोलते हैं रोल ओवर, मतलब कि हमारी WRS स्कोर में जो कमी आ रही है इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी, तो उसको हमने कंसिडर करेंगे रोल ओवर। और जब रोल ओवर की बात आ जाती है तो रोल ओवर आपको जो रहता है जो मेनली जो रेटिकुलर पैथोलॉजी जो पेशेंट जो रहता है उनमें हमको रोल ओवर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने जब हमने इसे पैटर्न के हिसाब से बताया कि कौन सा नॉर्मल हो सकता है, कौन सा में कोकुलर पैथोलॉजी है, कौन से में रेटिकुलर पैथोलॉजी। यहाँ पे ये चीज समझने की बात है कि देखो कोकुलर पैथोलॉजी में अगले ही इंटेंसिटी को उसका PV मीन आ जाएगा, उसके बाद में जो रेटिकुलर पैथोलॉजी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे इंटेंसिटी अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो PV मीन जो रहता है हमको लगातार नीचे मिलता जाएगा, मतलब सबसे कम लेवल पे आ जाएगा WRS स्कोर, ये रेटिकुलर पैथोलॉजी में आपको दिखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, अभी हमने देखा कि वो अपनी जो न्यूरल फायरिंग की जो कैपेसिटी है उसको सस्टेन करके नहीं रख पाता है कौन, रेटिकुलर पैथोलॉजी वाले पेशेंट, ठीक है। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने एक फार्मूला दिया, फार्मूला जो रहता है रोल ओवर निकालने का, रोल ओवर रेशियो बोलते हैं उसको। तो जो रोल ओवर रेशियो रहता है, रोल ओवर रेशियो उसका फार्मूला होता है PV मैक्स माइनस PV मीन अपॉन PV मैक्स। ये रोल ओवर का इन्होंने फार्मूला दिया, इस फॉर्मूला के बेस पर हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उस वैल्यू को हम आगे देखते हैं कि किस हमको कौन सी वैल्यू मिली या मतलब कितनी वैल्यू मिली तो हम उसको कोकुलर पैथोलॉजी में कंसीडर करेंगे, कितनी वैल्यू मिली तो हम उसको रेटिकुलर पैथोलॉजी में कंसीडर करेंगे आगे। अभी हमने ये देख लिया कि हमने PV मैक्स और PV मीन कैसे निकालेंगे। अब हमने PV मैक्स और PV मीन के आधार पर मतलब जो हमको पैटर्न मिला उसके आधार पर हमने चीज़ें तो बता दी कि ठीक है हाँ कोकुलर पैथोलॉजी हो सकता है, रेटिकुलर पैथोलॉजी हो सकता है, पर उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया था, ठीक है। उस फॉर्मूला से हमको एक कट ऑफ वैल्यू प्राप्त होती है या कट ऑफ वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू के बेस पे कुछ साइंटिस्टों ने बताया था कि किसको हम कोकुलर पैथोलॉजी में कंसीडर करेंगे, किसको हम रेटिकुलर पैथोलॉजी में कंसीडर करेंगे। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो जो PV मैक्स और जो PV मीन हमने निकाला था उसको हमने उससे हमने रोल ओवर रेशियो निकाला। ये रोल ओवर रेशियो जैसे कि रोल ओवर का मतलब बताया था कि उसमें जो कमी हो रही थी उस चीज़ को हमने निकाला था, मतलब कि जो PV मैक्स और PV मीन में जो कमी हो रही थी उसको हमने रोल ओवर के वर्ड में अभी हमने आके देखा था, उसको रोल ओवर हमने माना था। तो रोल ओवर रेशियो हमने निकाला, रोल ओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला दिया गया है PV मैक्स माइनस PV मीन अपॉन PV मैक्स। इससे हमको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक कट ऑफ वैल्यू मिलेगी। उस कट ऑफ वैल्यू को जो बेस जोशी और ह्यूमस ने 1979 में ये बोला था कि कट ऑफ वैल्यू का वैल्यू अगर 0.25 से अगर ऊपर आ रही है तो हम उसको ये मानेंगे कि उस पर्सन में 8th नर्व में ट्यूमर है या फिर उसको रेटिकुलर पैथोलॉजी है, ठीक है। ये किसने बोला था, बेस ने और जोशी ने। उसके बाद में मेयर आए, मेयर और मिसलेर आए, उन्होंने 1985 में ये बोला था कि जो कट ऑफ वैल्यू है अगर वो 0.35 से ज्यादा हो रही है तब हम उसको रेटिकुलर पैथोलॉजी में कंसीडर करेंगे या तब हम उसको बोलेंगे कि उस पेशेंट में 8th नर्व में ट्यूमर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हम जब PIV फंक्शन निकाल रहे थे इसको हम WRS वर्ड से निकाल रहे थे तो इसको क्लिनिकली हम यूज़ नहीं करते, इसलिए क्लिनिकली यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मतलब एक शॉर्ट मेथड से रहती है कि हमको PV मैक्स और PV मीन निकालने के लिए एक शॉर्ट मतलब कम समय में हमको PV मैक्स और PV मीन निकल जाए, इसके लिए एक मेथड दी गई है उसको हम बोलते हैं केस्पा। केस्पा को बोलते हैं हम कंप्यूटर असिस्टेंट स्पीच परसेप्शन असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, जैसे कि हम WRS में जो हम वो यूज़ कर रहे थे ना 25 वर्ड यूज़ कर रहे थे, पर केस्पा में हम क्या करेंगे ओनली 10 वर्ड्स यूज़ करेंगे या फिर हम 30 फोनिम्स यूज़ करेंगे। अब हमने 30 फोनिम्स या 10 वर्ड यूज़ किए फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, जब जैसे कि हम WRS स्कोर में PV मैक्स निकाल रहे थे उसका, तो WRS स्कोर में हम उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये केस्पा के थ्रू। मतलब जैसे WRS में हम ये देख रहे थे कि 25 हमने वर्ड यूज़ किए थे उसमें करेक्ट वर्ड अपॉन 25 × 100 कर रहे थे फिर उसका हम परसेंट निकाल रहे थे, वैसे ही हम ये देख रहे थे कि अगर हमने 30 फोनिम्स यूज़ किए 30 फोनिम्स हम उसके किस प्रकार से परसेंट निकालेंगे। तो उन्होंने बोला था करेक्ट फोनिम्स मतलब कि जो पेशेंट आपको रिपीट कर रहा है वो कितने करेक्ट फोनिम्स बोल रहा है
वो करेक्ट फोनिम्स डिवाइड बाई 30 × 100, इस प्रकार से हम उसका परसेंटेज निकलेगा। फिर परसेंटेज से हम ये निकाल सकते हैं कि उसको पीबी मैक्स कहाँ मिल रहा है हमको पीबी मैक्स और कहाँ मिल रहा है हमको पीबी मिन। ओके गाइस, थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही।